हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ VSK। इस वीडियो में मैं आपको रिकॉइल कंट्रोल करने की एक ड्रिल बताने वाला हूँ, कैसे आप अपने रिकॉइल को कम से कम कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग मोड में चलते हैं। यहाँ से हम सारे अटैचमेंट उठाते हैं, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ, कंपनसेटर, टास्क स्टॉक, एंगल्ड ग्रिप। मैं नॉर्मली एंगल ग्रिप यूज़ करता हूँ या फिर थंब ग्रिप, आप जो भी यूज़ करते हो वो ले सकते हो। और यहाँ से बैग उठाना है लेवल 3 का। सारे अटैचमेंट मैंने M416 के लिए लिए हैं। M416 लीजिए और अपने बैग को 5K MO से फुल भर दीजिए। इसके बाद अब स्कोप लेंगे। स्कोप में 6x लेने वाला हूँ। 6 को 3 में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से गाड़ियों की पार्किंग की साइड चलेंगे। वहाँ से गाड़ी लेके अपने नेक्स्ट स्टेशन पर चलेंगे। चलिए मिराडो ले लेते हैं। अब यहाँ से मिराडो लेके उस ब्रिज पर चलते हैं और उस ब्रिज से हम अपनी ड्रिल करेंगे। हमें प्रैक्टिस हर रोज़ करनी है। ध्यान रहे, 1 दिन या 2 दिन प्रैक्टिस करने से अपना एम सही नहीं होने वाला है। हर रोज़ हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम ब्रिज पर आ गए और हमें इस वाले पॉइंट पर आना है। यहाँ से हमें इस BRDM को टारगेट करना है। कम से कम MO में हमें इस BRDM को डिस्ट्रॉय करना है। इस ड्रिल को हमें हर रोज़ करना है, 1 घंटा आधा घंटा जितनी देर कर सकते हो। और इसकी जो लंबाई है वो करीब 250 मीटर है। यहाँ से लॉन्ग रेंज के स्प्रे के लिए एक BRDM को अगर डिस्ट्रॉय करे तो 85-90 MO यूज़ होती है डिस्ट्रॉय होने में, पर यहाँ से थोड़ी ज़्यादा MO लगेगी। और हर बार MO काउंट करनी है कितनी यूज़ की। ये 1 दिन 2 दिन से रिकॉइल सही नहीं होगा, हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हो गए डिस्ट्रॉय। मैंने कम से कम 155 या 160 MO यूज़ की इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपको हर बार पिछली बार से कम MO यूज़ करनी है। ड्रिल पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।